दुनिया भर में कैंसर के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। ये बीमारी एक महामारी की तरह फैल रही है। अब कम उम्र में भी लोग कैंसर का शिकार हो रहे हैं। कैंसर कई प्रकार के होते हैं। इनमें ब्लड कैंसर को काफ़ी खतरनाक माना जाता है। इस कैंसर के लक्षण शुरुआती स्टेज में ही दिखने लगते हैं, लेकिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है। इस वजह से अधिकतम मामले एडवांस स्टेज में रिपोर्ट किए जाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ब्लड कैंसर कई मामलों में जेनेटिक नहीं होता है। ये कैंसर किसी भी उम्र में हो जाता है। बच्चे भी इस कैंसर की चपेट में काफ़ी आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि ब्लड कैंसर कई अन्य कैंसर की तरह जेनेटिक नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि कैंसर की उत्पत्ति जेनेटिक है, तो इसका मतलब है कि रोगी में पहले से ही आनुवंशिक असामान्यता मौजूद है, जो किसी भी रोगी को ब्लड कैंसर के प्रति अधिक संवेदनशील बना सकती है। उदाहरण के लिए TP53 म्यूटेशन कई ब्लड कैंसर का कारण बन सकता है। कैंसर जेनेटिक्स होते हैं अलग। कैंसर जेनेटिक्स अलग हैं, और इसका मतलब है कि किसी भी मरीज को जो ब्लड कैंसर हुआ है, उसमें कुछ जेनेटिक असामान्यता मौजूद पाई गई है। कई रक्त कैंसर रोगियों में जेनेटिक असामान्यताएं पाई जाती हैं, और कुछ अच्छी हो सकती हैं और कुछ बुरी। हालांकि आजकल कई ऐसे तकनीक आ गई हैं जिनके माध्यम से, जीनोम सीक्वेंसिंग के माध्यम से, बीमारी का आसानी से पता लगाया जा सकता है। इनमें एक तकनीक को NGS कहते हैं। इसके माध्यम से जेनेटिक बीमारियों की आसानी से पहचान हो जाती है। पिछले कुछ सालों में इस कैंसर के इलाज में काफ़ी विकास हुआ है। नई तकनीकों से मरीजों का इलाज आसान हुआ है। ये है ब्लड कैंसर के लक्षण। ब्लड कैंसर की बीमारी ब्लड फंक्शन को नुकसान पहुंचाती है। ब्लड कैंसर में तीन बीमारियां शामिल हैं। इसमें ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल लाइपोमा शामिल किया जाता है। ब्लड कैंसर स्टेम सेल्स में होता है। ब्लड कैंसर होने पर ये संकेत दिखते हैं: कमजोरी, थकान, स्किन का पीला पड़ना और वजन अचानक कम होना। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहिए मेडिकल माइक। साथ ही हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।